क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आप तमाम नासरीन का HT News चैनल में खैर मकदम है। बतारीख 14 जुलाई बरोज़ जुमा को एक ज़राए से मिली मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए साउथ ईस्ट जोन कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने शालीबंडा पुलिस के साथ मिलकर धोखेबाज खुद साख्ता डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया, जो कि जाली BDS डॉक्टर की सर्टिफिकेट हासिल करते हुए डेंटल क्लिनिक चला रहे थे। गिरफ्तार शुदा मुलजमीन की शिनाख्त कुछ इस तरह से है। ख्वाजा मुजम्मिल उद्दीन उमर 29 साल, जो कि फलकनुमा अलजुबेल कॉलोनी में जाली डेंटल सर्टिफिकेट हासिल करते हुए ऑक्सीजन डेंटल क्लिनिक चला रहा था। दूसरा मुलजिम सैयद अब्दुल असलम उर्फ असलम उमर 23 साल, जो कि पेशे से जोमैटो डिलीवरी बॉय बताया जा रहा है। ये मुलजिम जाली सर्टिफिकेट बनाने में मुलविस पाया गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से कर्नाटक स्टेट के डेंटल काउंसिल से हासिल करदा फेक BDS सर्टिफिकेट, GHMC का ट्रेड लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले आलात और दिगर कई सारे मवाद के साथ साथ इसके क्लिनिक ऑक्सीजन डेंटल क्लिनिक में मौजूद सभी आलात, जैसे डेंटल चेयर, स्टरलाइजेशन मशीन, एक्सरे मशीन और एयर कंप्रेसर, सभी को जब्त कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद मुलजिम ने इंकशाफ किया कि साल 2016 में वो इंटरमीडिएट में फेल हो गया था और मिसवाक डेंटल अस्पताल वाक़ मासब टैंक में ये बतौर डेंटल असिस्टेंट वहां पर भर्ती हुआ था। साल 2016 से साल 2020 तक इसने मिसवाक डेंटल अस्पताल में काम किया और वहां पर रहते हुए इसने दांतों का इलाज सीखा। बाद अज़ां इसने जाली डेंटल डॉक्टर बनने का मंसूबा बनाया। साल 2020 में इसने अपने एक दोस्त सैयद अब्दुल असलम उर्फ असलम की मदद से कर्नाटक स्टेट डेंटल काउंसिल का जाली BDS सर्टिफिकेट हासिल किया। इसके अलावा इसने ऑक्सीजन डेंटल क्लिनिक में BDS डॉक्टर की हैसियत से कर्नाटक स्टेट डेंटल काउंसिल के जाली BDS सर्टिफिकेट को असली बनाकर मरीजों का इलाज करते हुए भारी रकूमत हासिल कर रहा था। इस इसने तस्दीक शुदा BDS डॉक्टर जाहिर करके अस्पताल के हुकाम और मरीजों को धोखा दिया। इसने कर्नाटक स्टेट डेंटल काउंसिल का जाली BDS सर्टिफिकेट तैयार करके GHMC का ट्रेड लाइसेंस और लेबर डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट भी हासिल कर दिया और तेलंगाना हुकूमत व कर्नाटक रियासतों को भी धोखा दिया। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात। पेश है HT News चैनल की एक खसूसी रिपोर्ट। Thank you.